पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 50,000 के इनामी मिथुन के पैर में गोली लगी है और बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बाइक बरामद की गई है। मिथुन पर आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। बस्ती के थाना मुंडरेवा से गैंगस्टर था, वांछित चल रहा था। बसखारी थाना क्षेत्र के गनीपुर में यह मुठभेड़ हुई। तो अंबेडकर नगर में पुलिस और 50,000 के इनामी बदमाश मिथुन के साथ में मुठभेड़ हुई है, जहां पर मिथुन के पैर में गोली लगी है और बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। मिथुन पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और बस्ती के थाना मुंडरेवा से गैंगस्टर का वांछित चल रहा था। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 50,000 के नामी बदमाश मिथुन को ढेर किया गया है। पैर में गोली लगी है। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद की गई है, साथ ही साथ एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। मिथुन के ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे और बस्ती के थाना मुंडरेवा से ये गैंगस्टर वांछित चल रहा था। बसखारी थाना क्षेत्र के गनीपुर के पास ये मुठभेड़ हुई है।